हाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक वीडियो को भी कर दें। बने रहें, जुड़े रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का सिद्धार्थ लाइव परिवार में। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूं अपना मास्टर स्वामी आईडी तिरछी। लेकर आ गया हूं एक और जबरदस्त बिग अपडेट निटी बॉम्बे के ऊपर। निटी बॉम्बे में अभी कुछ नया हुआ है, साल 2020 से 2021 में कुछ बहुत अलग हुआ है। अगर आप लोग निटी बॉम्बे के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको कहूंगा कि आप जाके विकिपीडिया पर या उनकी वेबसाइट पर या यूट्यूब पर एक दो वीडियो पड़े हुए हैं, उन्हें जाके पहले निटी बॉम्बे के बारे में देख लीजिए। क्योंकि अगर आप गेट के एस्पिरेंट होने वाले हैं या आप कैट के एस्पिरेंट होने वाले हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप लोगों को पता होना चाहिए। काफी ज्यादा चेंजेस हुए हैं। निटी बॉम्बे क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है जो एक पीजी डिप्लोमा कोर्स कराता है। सिंपली मैं थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूं। निटी बॉम्बे का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। क्या होता है, यहां पर जो एडमिशन होते हैं वो कैट के थ्रू, गेट के थ्रू, जीआरई के थ्रू, जीमेट के थ्रू होते हैं। ये क्या होता है, ये पीजी डिप्लोमा प्रोवाइड कराता है वेरियस ब्रांचेस में। तो यहां पर जो गेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं वो सारी ब्रांचेस के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो भी इंडस्ट्रियल से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, फिर चाहे वो आपका मटेरियल हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन हो, चाहे मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, कोई भी ब्रांच हो, ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो गेट से ये बहुत ज्यादा सीटें अपने आप फिल करता है। अब क्या अपडेट है, क्या मेजर अपडेट है, उसकी हम बात करते हैं। देखिए क्या है कि निटी बॉम्बे में कुछ जो कोर्सेज होते हैं उनका नाम मैं आपको ओल्ड कोर्सेज का नाम बताता हूँ। पहले जो ओल्ड कोर्सेज का नाम है वो है PGDIE, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, PGDIM, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, PGDPM, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, PGDMM, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट, और PGDISEM, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड एनवायरमेंट मैनेजमेंट। ये सारे कोर्सेज 2020 तक हुआ करते थे निटी बॉम्बे में, है ना। अभी बहुत सारे लोगों को ये सब चीजें नहीं पता होगी, जिसमें क्या होता है, जो PGDIE कोर्स होता है उसमें 144 सीटें होती हैं, वो प्योरली गेट से लिया जाता है। PGDMM मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट, PGDPM ये भी गेट से ही प्योरली लिए जाते हैं। इसमें आप गेट का एग्जाम दीजिए, अगर आपका गेट स्कोर 700 के आसपास से अबव होता है, कोरोना में इस साल 700 प्लस कट ऑफ रख दिया था, तो आपको एलिजिबल किया जाएगा। उसके बाद GDPI होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारे गेट से फिल किए जाते थे। बाकी जो बचा है PGDIM और PGDISEM, ये दोनों कैट से प्योरली लिए जाते थे। तो इसमें GRE वगैरह के कैंडिडेट भी आ जाते थे, और मोस्ट प्रॉब्ली जो 95% बच्चे देखे जाते थे वो कैट वगैरह के देखे जाते थे। पर अब चेंजेस क्या हुए हैं, देखिए क्या हुआ है। 2021 में आधे से ज्यादा कोर्सेज को नेटिव बॉम्बे ने उड़ा दिया है, ठीक है, उन्होंने अपने सिलेबस से कट कर दिया है। क्यों कर दिया है, क्यों, देखिए क्या था कि बहुत सारे जो PGDPM है और जो आपका MM है मैन्युफैक्चरिंग वाला, उनमें क्या होता था, प्लेसमेंट्स नहीं हो पाते थे। देखिए यार, नेटिव बॉम्बे अपने प्लेसमेंट को लेकर ना बहुत ज्यादा कॉन्सियस रहता है। क्यों, क्योंकि नेटिव बॉम्बे के पैकेजेस अगर आप सुन लोगे ना तो आप IIMs के पैकेजेस भूल जाओगे, इतने ज्यादा बड़े बड़े पैकेजेस नेटिव बॉम्बे से जाते हैं, वो भी एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स में। तो क्या होता था कि बच्चे 14-14 लाख रुपए की फीस भर के 2 साल की, यहां से जब जॉब नहीं मिलती थी तो बच्चा फाइनेंशियली भी डाउन हो जाता था और मेंटली भी बहुत ज्यादा डाउन हो जाता था। और वहीं जो PGDIE के बच्चे होते थे वो 100% से ज्यादा प्लेसमेंट होता था, और कई कई बार बहुत सारे बच्चों के पास 2-2 ऑफर होते थे, इंटर्नशिप्स होती थी, ये बहुत ज्यादा अंतर देखा जाता था। तो यार जब ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ कोरोना में, इस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट दिखा कि कंपनीज इंडस्ट्रियल के बच्चे को ज्यादा प्रेफर कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बच्चों को मना कर दे रही है। तो इन्होंने थोड़े से चेंजेस किए, इन्होंने क्या किया, PGDPM और PGDMM को हटा दिया है। इस साल 2021 में इन ब्रांचेस में एक भी एडमिशन नहीं होने वाला है। अब एक और बड़ी अपडेट क्या हुई है, जो PGDIE कोर्स था, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, उसकी जो 144 सीट थी उसको बढ़ा के 200 सीट्स कर दिया गया है। मे बी शायद ये 200 से भी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है, लेकिन ये 200 वाला
एक अप्रोक्सीमेट आंकड़ा जो होता है ना वो सुनने में आया है, अभी कंफर्म हो जाएगा कि 200 हुई है या 200 से ज्यादा हुई है। सिंपली ये जो सीट है ना, जो नीचे जो पीजीडी पीएम और एमएम है, इनको हटा के इनको कंपनसेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया पीजीडीआई में बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है, फिर बाकी बची पीजीडीआईएम उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, वो एज इट इज रहने वाला है। पीजीडीआई में प्योरली एडमिशन गेट से होगा, पीजीडीआईएम में प्योरली एडमिशन कैट से होगा, और आपका जो पीजीडीआईएसईएम था इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड एनवायरमेंट मैनेजमेंट, उसको भी चेंज कर दिया गया है, उसका भी नाम बदल दिया गया है, उसका नाम कर दिया गया है पीजीडीएसएम, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन सस्टेनेबल मैनेजमेंट। ठीक है, और इसमें एक बिग अपडेट ये हुआ है कि क्या होता था पहले, ये जो एग्जाम था ये कैट से भरा जाता था, मतलब जो ये ब्रांच थी वो कैट से ली जाती थी, अब ये कैट से और गेट से, जीआरई से, जीमैट से, इन चारों से ही लिया जाएगा, समझ रहे हो? तो मतलब इसमें गेट की ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो जो टोटल 30 सीट्स हैं उसमें कम से कम 12 से 14 सीट्स गेट के थ्रू भरी जाएंगी। तो ये एक बहुत अच्छी खुशी की बात है जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं निटी बॉम्बे के लिए, या जो सोच रहे हैं कि गेट में अच्छा मार्क्स आएगा तो निटी बॉम्बे को पहले प्रेफर कर लेंगे। सिनेरियो बता देता हूँ, प्लेसमेंट का सिनेरियो कैसा रहता है। जैसे निटी बॉम्बे की बात करें तो निटी बॉम्बे का हाईएस्ट पैकेज अभी कोरोना में, अभी जहां आईआईटीज एनआईटीज में पैकेजेस फेल हो गए, कंपनीज आ नहीं रही थी, मना कर दे रही थी, निटी बॉम्बे ने हाईएस्ट पैकेज 58.28 एलपीए का निकाला, जिसका एवरेज पैकेज 21.82 एलपीए था और मीडियन पैकेज इसका 20 एलपीए था। वहीं पीजीडीआईएम में जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट होता है उसमें हाईएस्ट पैकेज 58.24 उसी में गया था, और जो मिनिमम पैकेज था वो, जो एवरेज पैकेज था वो 21.82 एलपीए गया था, जिसमें 121 कंपनीज आई थी। फिर पीजीडीएसएम जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट है उसमें आपको 27 लाख का हाईएस्ट पैकेज था, 16 लाख का एवरेज पैकेज था 16.42 का, और 15.25 का मीडियम पैकेज था। और पीजीडीआई में भी इसी तरीके के बहुत हाई पैकेजेस रहते हैं, जनरली लड़का जो होता है 15 लाख 16 लाख के पैकेजेस लेके निकलता है। मैं इतना ज्यादा इसलिए नेटिव बॉम्बे के बारे में जानता हूँ क्योंकि मेरे कई सीनियर्स नेटिव बॉम्बे में पढ़ते हैं, कई सीनियर्स वहां से पास आउट होके एशियन पेंट्स में, या फिर आप कह सकते हो आदित्य बिरला में, इनमें प्लेस्ड है मेरे सीनियर्स, उनसे मेरी बात होती है तो मुझे पता चलता है नेटिव बॉम्बे अपने आप में एक अच्छा कॉलेज है, और कंपनीज में बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस आराम से इस कैंपस से निकलते हैं। ये पूरा वीडियो मैंने बनाया निटी बॉम्बे की बिग अपडेट के ऊपर, आशा करता हूँ आप लोगों को ये पूरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो यार बस इतना ही काम रहता है कि एक लाइक जरूर मार के जाइए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कर लेते हैं छोटी सी मुहिम की बात, अगर आपको कराना है अपने कॉलेज का रिव्यू, आपको कराना है अपने कॉलेज की ब्रांच का रिव्यू, या आपको हमारे द्वारा बताना है अपने कॉलेज के बारे में, तो गूगल डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, गूगल फॉर्म, उसे जाके फिल कर लीजिए यार जल्दी से, है ना, अपनी क्वेरी वहां पर डाल दीजिए, और कमेंट्स में भी हमें आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। बाकी आप क्या कर सकते हो, मुझे इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, वहां भी आप मुझसे क्वेश्चन आंसर कर पूछ सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप मुझसे वहां डिस्कस कर सकते हो। बाकी आप मेरा दूसरा चैनल पाठशाला ज्ञान है उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर बढ़िया बढ़िया एजुकेशन कंटेंट आता है। अनअकैडमी पर मैं पढ़ाता हूँ इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के जनरल स्टडीज का लेक्चर, तो आप जाइए वहां भी मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा जनरल स्टडीज ईएस का पढ़ने को मिल जाएगा। बाकी बने रहना है, जुड़े रहना है, देखते रहना है अच्छा अच्छा कंटेंट सिद्धार्थ शुक्ला के साथ, सिद्धार्थ लाइव परिवार में। नमस्कार।